सोनी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो क्यों दिखाया मुझे वो झूठे सपने? क्यों किया वो झूठा नाटक? क्यों सोनी, जवाब दो, क्यों? सोनी, दोनों खामोश क्यों हो गए? कहीं मेरे आने से तुम दोनों की कोई बात अधूरी तो नहीं रहेगी? सोनी, जीत क्या कह रहा था तुमसे? वो एक्चुअली भाई देखा सोनी, जीत कितने डर गए। जीते मैं जानता हूं, देवर जो बात अपने भाई से कहते हुए शर्माता है ना, वो बात वो अपनी भाभी को ही बताता है। अगर तू नहीं भी बताएगा ना जीते, फिर भी मैं पता लगा लूंगा कि मेरा छोटा भाई किस वजह से इतना परेशान है। सोनी, जी तुमसे किसी लड़की के बारे में ही बात कर रहा था। मुझे लगता है जीत अपनी पसंद के बारे में मुझे नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बताना चाहता है। मैं सच कह रहा हूं ना सोनी? जीते सुन तो। देखा सोनी, दिल की बात तक बात पहुंची तो किस तरह शर्मा के चला गया। सोनी, क्या सच में जीत को कोई लड़की पसंद आ गई है? क्या इसे प्यार हो गया है? मुझे तो लगता है वाकई इसे किसी से प्यार हो गया। ये लो मैं लॉन्ग स्वीट ड्रेस, साइज में तुम्हारी पसंद का और चॉइस में शब्द की पसंद का। माही, मैं समझ सकती हूं कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसे जोड़ना आसान नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माही, जानती हो एक पति की सिर्फ दो कमजोरी होती है। एक, वो अपनी पत्नी को उस रूप में देखना चाहता है जो उसे पसंद हो, और दूसरी, वो अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ खाना पसंद करता है। माही, मैंने इस लिस्ट में शब्द की पसंद की हर चीज लिख दी है। उसे क्या खाना पसंद है, क्या नहीं, आई थिंक तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती? माही, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना चाहती हूँ, अपनी और शब की दोस्ती का, अपनी और तुम्हारी दोस्ती का। क्या मुझे अपने दोस्तों को खुश देखने का हक नहीं दोगी? जानती हो सुहानी, जब से हम हनीमून से, ने मुझसे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। यही तो चाहती हूं मैं, शब्द तुमसे जिंदगी भर बात ना करे। जितना तुम अपने आप को शब्द के लिए बदलने की कोशिश करोगी, शब्द तुमसे उतना ही दूर होता जाएगा। और फाइनल, शब्द के दिल से माही का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। संभालो अपने आप को माही, ये वक्त रोने का नहीं है। जो मैं कहती हूं वो करके देखूंगा।
हो सकता है कि शब तुमसे इंप्रेस हो जाए। देखो माही, मुझे लगता है कि कम से कम तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या पता कि तुम्हारे और शब्द के बीच के फासले कम भी हो या नहीं। मैं तुम्हारे रिश्ते में आए इस फासले को एक ऐसी खाई में बदल दूंगी माही, जिसे पार करना ना तुम्हारे बस में होगा और ना ही शब्द के। ओए जीते, हाय, ये कहाँ चला गया? लो जी, मुझे इसको पूछना था अभी खाने में क्या बनाऊंगा। चूड़ियां चूड़ियां, हाय, लाल रंग का दुपट्टा शपट्टा। चार? ये जीत के सामान में लड़कियों का सामान कैसे आ गया? कहीं ये किसी और का सामान तो नहीं उठा कर ले आया? सोनी, भरजाई जी, देखो मेरे बॉयफ्रेंड के बैग में क्या क्या सरप्राइज मिली है। यार के रंग में रंगा हुआ लाल रंग का दुपट्टा, ये चूड़िया चूड़िया, ये हार। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब की नजरों से बचा कर ना किसने ये सब किसी लड़की के लिए खरीदे हैं। ओए जीत, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। रोमांस अपनी लवली बुआ के साथ और तोहफे शोफे किसी और के लिए हैं? देखा सोनी, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हमारे जीते को कोई लड़की पसंद आ गई। हाँ जी। जीते, पुत्र अब तो तुझे सबके सामने बताना पड़ेगा कि वो कौन लड़की है जो तेरा दिल ले गई। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बुआ, अब मेरी समझ में आया कि गोवा से वापस आने के बाद जीत इतना खामोश क्यों रहता है? वीर, तूने बिल्कुल ठीक कहा। भाई, जब किसी का दिल खो जाता है तो प्यार में कुछ कुछ हो जाता है। मुझे अपने भाई की पसंद पर पूरा भरोसा है। अरे, तेरी पसंद यहाँ किसी को नापसंद हो ही नहीं सकती। हाँ जी। जल्दी से बता, कौन है वो खुशनसीब? कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका, हम सब उसे जानते हैं या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जीतने बहुत हो गया, जल्दी से बता दे। भाई, मुझे भी तो पता चले कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट और स्मार्ट और कौन है जिसने तेरा दिल छीन ले लिया है? आप गलत समझ रही हैं बुआ। मुझे लगता है जीत हमें नहीं लेकिन सोनी को जरूर बताएगा। चल जीते, ठीक है, तू सोनी को ही बता दे कि वो कौन लड़की है, लेकिन हाँ, सबके सामने बताना पड़ेगा। सोनी, तुम पूछो से कि वो कौन लड़की है। शर्मा मत यार, बता ना। सोनी, तू पूछ। भाई, ये दुपट्टा, ये हार और ये चूड़ियां, ये किसके लिए लाया है? जा 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 जा। शर्मा मत यार, बताना। बताना जी। अरे बताना यार। ये दुपट्टा, ये कंगन किसी के लिए नहीं है। कोई लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में। आप लोग सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ो। आप लोगों के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है।
जीत को क्या हो गया है? वीर पुत्र, तुम सबको ऐसा लगता है ना कि जीत को किसी लड़के से प्यार हो गया है, पर मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि किसी लड़की ने जीत का दिल तोड़ दिया है, धोखा दिया है उसे। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा? आजकल की लड़कियां प्यार किसी से करती है तो शादी किसी से। उनका तो प्यार भी झूठा होता है और शादी भी। पर मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि मेरे जीते का दिल तोड़ने वाली लड़की है कौन। हाँ जी परजाई जी, जैसा पहली बार हुआ है मेरे छोटे भाई ने मुझसे अपने दिल की कोई बात छुपाई है। मुझे भी नहीं बताएगा कि मेरे भाई के दिल को किसने चोट पहुंचाई है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। कोई ना कोई बात तो है। जब से तू गोवा से वापस लौटा है तेरे चेहरे पे हंसी नजर ही नहीं आई। प्यारी सी हंसी किसे देकर आया बता ना। तुझे याद है जीते, जब सारी दुनिया राजी के खिलाफ हो गई थी तब तूने मेरा साथ दिया था। तुझे क्या लगता है तेरे दुख में मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? जीते, तुझे तो अपने भाई से जिंदगी तक मांगने का हक है। तू बता तुझे क्या चाहिए। मैं अपने भाई का दिल तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। तो बस उसका नाम बता जीते, मैं उसे तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मुझे तो अभी तक किसी से प्यार ही नहीं हुआ। मेरा दिल किसी ने नहीं तोड़ा है। और हाँ, मुझे जब भी किसी से प्यार होगा मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। आपके सिवा और मैं किसको बता सकता हूँ? तू सच कह रहे ना भाई। मैं अपने आप से झूठ बोल सकता हूँ, आपसे नहीं। आई लव यू भाई। पगले, तेरी एक खुशी के लिए वीर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। मुझे मेरे भाई की आंखों में खुशी चाहिए, आंसू नहीं। मुझे मेरे सवालों का जवाब आपसे नहीं भाई, सोनी से चाहिए। हाय। हाय सुहानी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने माही के बारे में क्या सोचा। सुहानी, मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है शब्द कि माही को अभी भी तुमसे उम्मीद बची है। वो तो ये भी नहीं जानती कि तुम उसे चाहते भी हो या नहीं। माही से अभी भी तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है शब। अगर तुम माही से गुस्सा हो तो कब तक गुस्सा रहोगे? और अगर तुम जानते हो कि तुम्हें माही के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है तो उसे तुमने अभी तक अंधेरे में क्यों रखा है? सोचो कि अगर किसी गलत फहमी में माही ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो क्या होगा? Come on, सुहानी। माही कौन सा कदम उठा सकती है? मैं माही से मिली थी शब्द। वो अपने आप को तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रही है। वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर तुम्हें ये साबित करना चाहती है कि उसे तुम्हारी परवाह है। माही तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बदलना चाहती है।
लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे में ना तो उसका दिल बदलेगा और ना ही उसका कल्चर। ये फैसला माही को नहीं बल्कि तुम्हें करना होगा शक कि तुम्हें हस्बैंड वाइफ की रूटीन और नकली जिंदगी चाहिए या जिंदगी का असली रंग चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो। सुहानी, जब भी मेरी जिंदगी में कोई खास फैसला लेने का मौका आया, तुमने मेरा साथ दिया है। तुम एक अच्छी दोस्त हो, you're a good friend, I can count on you. तुम फिक्र मत करो, मेरे और माही के बीच में अब कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। मैं माही से बात करूंगा। तुम माही की गलतफहमी दूर करो और मैं तुम दोनों को दूर कर दूंगी। वो अपने आप को तुम्हारी बदलने की कोशिश कर रही है। माही तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बदलना चाहती है। तुम्हारी खाना बनाकर ही ये साबित करना चाहती है कि उसे तुम्हारी परवाह है। कैसा लगा ये सब? दरअसल जब से हम हमारे हनीमून पर आए, हमने साथ ज्यादा वक्त नहीं बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक सरप्राइज दूं। कैसा लगा? अरे आइए ना, मैं आपको बताती हूँ। आइए, ये देखिए शब, आपका फेवरेट कॉन्टिनेंटल फूड आपको बहुत पसंद है। और ये देखिए शब, आपकी फेवरेट वाइन है ना, आपको बहुत पसंद है ना। मैं जानती थी कॉन्टिनेंटल फूड के साथ आपको ये वाइन बहुत पसंद है ना, सब कुछ आपकी पसंद का। अरे हाँ, एक और चीज अभी बता, आपका फेवरेट म्यूजिक, मैं जानती थी आपको ये म्यूजिक बहुत पसंद है। आप बहुत थक गए, आप कपड़े बदल कर आ जाइए। अच्छा, भूख लगी होगी ना, तो कोट निकाल दी लाइए। चलिए खाना खाते, आ जाइए। तुम्हारी कहानी कराकर ये साबित करना चाहिए कि उसे तुम्हारी परवाह है।
तुम्हें इतना मिस करने से अपनी बदलना चाहिए।